हुई और बड़े फैसले इसमें लिए गए हैं। मोदी कैबिनेट में 5 बड़े फैसले लिए गए हैं। बता दें 14 फसलों के लिए एमएसपी मंजूर की गई है, साथ ही साथ धान की नई एमएसपी 2300 रुपए कर दी गई है। कपास की एमएसपी में 501 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं रागी की एमएसपी 4290 रुपए की गई। बड़े फैसले मोदी कैबिनेट की बैठक में, सरकार बनने के बाद से ही पूरी तरह से एक्शन मोड में, और जैसे ही कार्यभार सभी ने संभाला है, अलग अलग तबके के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए प्रयासरत सरकार है और किसानों के लिए बड़े फैसले लगातार सरकार लेती आई है। ये बड़ा फैसला जहां पर 14 फसलों के लिए एमएसपी मंजूर कर ली गई है, साथ ही साथ आपको जानकारी दें कि धान की नई एमएसपी जो है 2300 रुपए कर दी गई है, कपास की एमएसपी 501 रुपए बढ़ा दी गई है, तो वहीं रागी की एमएसपी का जिक्र करें तो 4290 रुपए से किया गया है। आज जो एमएसपी डिक्लेयर हुई है वो है धान, सबसे पहले धान का नया एमएसपी पैडी का नया एमएसपी खरीफ के लिए 2300 रुपीज डिक्लेयर किया गया है, विच इज 117 रुपीज इंक्रीमेंट ओवर द प्रीवियस एमएसपी। आप इसको 2300 को अगर आप कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहोगे, दैट इज अगर 2013-14 का जो प्राइस था, दैट प्राइस वाज 1310 रुपीज, 1310, यानी कहां 1310 था और कहां आज 2300 है। किस तरह से किसान भाइयों के लिए, किसान परिवारों के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और सरकार का हमेशा एक स्पेशल फोकस रहता है, ये इसको दर्शाता है। इसका एमएसपी 7121 और एक दूसरी वैरायटी है उसमें 7521 रुपीस डिक्लेयर किया है, जो कि 501 रुपए ज्यादा है, 501 रुपीस ज्यादा है कंपेयर टू द प्रीवियस एमएसपी। अगेन टू गिव द कॉन्टेक्स्ट, 2013-14 में एमएसपी वॉज ओनली 3700 रुपीज। जो मिलेट्स है, आप सब जानते हैं कि मोदी जी ने मिलेट्स के प्रोडक्शन, मिलेट्स की प्रोसेसिंग और दुनिया भर में मिलेट्स के जो पॉजिटिव बेनिफिट्स है उसको एक अलग ही तरीके से प्रोत्साहन दिया है, अलग ही तरीके से एनकरेज किया है। इस एनकरेजमेंट का एक बहुत अच्छा उदाहरण है आज का कैबिनेट का फैसला भी। ज्वार 3371 रुपीस, रागी 4290 रुपीस, बाजरा 2625 रुपीस और मक्का मेज 2225 रुपीस। छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा सीट पर कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। आंचल कुंड दरबार के सेवक सुखराम दादा के बेटे धीरन शाह इनवाती को कांग्रेस प्रत्याशी बनाया गया है। कौन है धीरन शाह? कांग्रेस ने धीरन शाह इनवाती को क्यों आखिर प्रत्याशी बनाया, आइए जानते हैं। छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। कांग्रेस ने आंचल कुंड दरबार के सेवक सुखराम दादा के बेटे धीरेन शाह इनवाती को प्रत्याशी बनाया है। आंचल कुंड के सेवादार सुखराम दादा के परिवार की आदिवासी परिवारों में अच्छी पकड़ है। भारिया हो या आदिवासी, हर कोई दादा दरबार में जाकर हाजिरी लगाता है। कांग्रेस अब इसी संबंध को भुनाने की तैयारी में है। अमरवाड़ा में धीरेन शाह का मुकाबला बीजेपी के कमलेश शाह से है। कमलेश शाह पहले कांग्रेस के टिकट पर अमरवाड़ा विधानसभा सीट से ही विधायक चुने गए थे। उनके बीजेपी में जाने और विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद अमरवाड़ा सीट खाली हुई है। उपचुनाव में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की ओर से देव रावेन भलावी भी मैदान में है। आंचल कुंड धाम से कमलनाथ का पुराना रिश्ता है। कमलनाथ ने 1980 में लोकसभा का चुनाव लड़ा था। अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत करने से पहले वे आंचल कुंड धाम पहुंचे थे। उस समय रतनदास जी धाम के सेवादार हुआ करते थे। रतनदास जी के बाद उनके पुत्र इस धाम के सेवादार हैं। आंचल कुंड धाम बाबा कंगाल दास ने स्थापित किया था। ये जगह आदिवासियों की आस्था का केंद्र है। अमरवाड़ा सीट पर टक्कर कांटे की है। बीजेपी और कांग्रेस के साथ ही गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी मैदान में है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने देव रावेन भलावी को प्रत्याशी बनाया है। देव रावेन ने इस साल लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था। उन्हें इस चुनाव में 50,000 वोट मिले थे।
इस सीट पर हमेशा त्रिकोणीय मुकाबला होता है। गोंडवाना पार्टी की यहाँ अच्छी पकड़ है। प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है। अमरवाड़ा के रण में सभी पार्टियों के योद्धा मैदान में आ चुके हैं। अब देखना है कि धीरेन शाह इनबाती ये सीट कांग्रेस को दिला पाते हैं या कमलेश शाह फिर से ये सीट जीतते हैं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी कड़ी टक्कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। नीट पर छात्रों के हंगामे के बीच सियासत अब तेज हो चुकी है। बेबुनियाद आरोप तक लगाए जा रहे हैं और इस बीच नीट में धांधली के आरोपों की जांच भी जारी है। गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी एनटीए को सख्त निर्देश दे दिए। देखिए, नीट पर जारी छात्रों के हंगामे के बीच सियासत भी खूब हो रही है। छात्रों की नाराजगी के सियासी इस्तेमाल की कोशिश हो रही है। कुछ लोग छात्रों के आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। आयुषी पटेल नाम की एक छात्रा ने नीट में गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में याचिका दायर की थी। उस पर सुनवाई के दौरान पता चला कि छात्रा की तरफ से लगाए गए सभी आरोप झूठे थे। नीट एग्जाम कराने वाली एजेंसी एनटीए की तरफ से पेश किए गए दस्तावेजों को देखने के बाद कोर्ट ने माना कि आयुषी पटेल नाम की इस छात्रा ने झूठे डॉक्यूमेंट्स के आधार पर याचिका दाखिल की थी। ये बात सामने आने के बाद कोर्ट ने एनटीए को इस बात की छूट दी है कि वो आयुषी पटेल की नाम के इस छात्रा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है, जबकि छात्रा के वकील ने कोर्ट से अनुरोध किया है कि उसे याचिका को वापस लेने की अनुमति दी जाए, जिसे हाईकोर्ट ने मान लिया और याचिका को खारिज कर दिया। बड़ी बात यह है कि आयुषी के इस वीडियो के बाद उसके लिए इंसाफ की मांग में पूरा एक इकोसिस्टम लग गया। विपक्षी पार्टियों के कई नेताओं के साथ साथ खुद प्रियंका गांधी ने भी इस लड़की का ये वीडियो शेयर किया था। उन्होंने इसी झूठे वीडियो के आधार पर एनटीए और सरकार पर सवाल उठाए थे। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने इस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जानबूझकर झूठ फैलाना कांग्रेस नेताओं की आदत है। हाई कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा और आयुषी पटेल को अपने क्लेम्स को साबित करने के लिए डॉक्यूमेंट्स मांगे गए तो उन्होंने हाई कोर्ट के सामने झूठे दस्तावेज शेयर किए और फर्जी दस्तावेज शेयर किए और उसके बाद जो उनकी याचिका थी वो खारिज हो गई। हालांकि इस दौरान नीट को लेकर लगे आरोपों पर जांच भी जारी है। अलग अलग जगहों से नीट पेपर लीक मामले को लेकर गिरफ्तारियां भी की जा रही हैं। नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार बिहार जल संसाधन विभाग के जूनियर इंजीनियर सिकंदर कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। इससे पहले कल भी नीट पेपर लीक मामले में बिहार की राजधानी पटना से 19 लोग गिरफ्तार किए गए। करीब 30 छात्रों से पूछताछ की गई। नीट परीक्षा को रद्द करके दोबारा कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी किया और कहा कि वो छात्रों की शिकायत को नजरअंदाज न करे। अगर एग्जाम में वाकई कोई गलती हुई है तो उसे समय रहते सुधारा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर 0.001% भी खामी पाई गई तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा। नीट को लेकर विरोध प्रदर्शन भी जारी है। नीट के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी भी विरोध प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया और परीक्षा को रद्द करने की मांग की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों को भरोसा दिया है कि इस मामले में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नीट में धांधली पर एक्शन जारी है, लेकिन बच्चों की लड़ाई को झूठ की बुनियाद पर कमजोर करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में लगातार तीसरी बार मोदी सरकार बन गई है, मगर 24 के चुनाव में वोटर्स को प्रभावित करने के लिए विदेशी दखल सामने आया। क्या है पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। पिछले दिनों भारत में लोकसभा के चुनाव हुए। 4 जून को नतीजे आए और नई सरकार बनी। इस चुनाव पर पूरी दुनिया की नजर थी, यहां तक कि विदेशी हस्तक्षेप की रिपोर्ट्स भी आईं। इसी क्रम में डिसइन्फो लैब ने लोकसभा चुनाव में विदेशी हस्तक्षेप पर विस्तार से रिपोर्ट प्रकाशित की है। द इनविजिबल हैंड्स नाम से आई इस रिपोर्ट में बताया गया है कि किस तरह विदेशी मीडिया ने भारत में हो रहे चुनावों को लेकर 22 तरीके से रिपोर्टिंग की और लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की।
रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभर रहा है। इसके बढ़ते भू रणनीतिक महत्व ने चुनाव को वैश्विक स्तर पर प्रासंगिक बना दिया। भारत उभरती हुई आर्थिक और सामरिक शक्ति है, इसलिए यहाँ के चुनाव के नतीजे ग्लोबल डायनेमिक्स को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। डिसइन्फो लैब की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि HLF और OSF ने भारत विरोधी एजेंडे के लिए फंडिंग की। फ्रांस के क्रिस्टोफ ज़फरलॉट को $3.85 लाख दिए गए। कनाडा के नामी संस्थान नामती को $3 लाख दिए गए। बर्कले को रिपोर्ट के लिए $3.46 लाख की मदद पहुंचाई गई। ह्यूमन राइट्स वॉच को $3 लाख की मदद पहुंचाई गई। कार्नेगी इंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस को $1.20 लाख दिए गए। पाकिस्तान में ISI को बड़े पैमाने पर आर्थिक मदद पहुंचाई गई। बता दें, दक्षिण एशिया के लोग पश्चिमी मीडिया के औपनिवेशिक हैंगओवर से अनजान नहीं है। ये हैंगओवर उनके संपादकीय पूर्वाग्रह और वर्चस्ववादी साहित्य में दिखता है। हालांकि इस बार भारत के चुनाव पर उनकी टिप्पणी का लहजा अलग था। BBC, वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे सामान्य संदिग्धों को डिसइन्फो लैब और अन्य लोगों की ओर से भारत में प्रचार करने वाले पावर हाउस के रूप में उजागर किया गया। इसके साथ ही चुनाव में नए खिलाड़ियों के साथ अधिक समन्वित प्रयास देखा गया। भारतीय चुनावों पर ग्लोबल रिपोर्टों का विश्लेषण करते समय मीडिया कवरेज का एक असामान्य पैटर्न देखा गया, जिनमें एक विशेष नैरेटिव को आकार देने और मतदाता की मानसिकता को प्रभावित करने की कोशिश की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। करीब 15 दिन हो गए हैं, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में लोगों को अब तक पानी नहीं मिल रहा। प्रचंड गर्मी, तापमान रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ रहा है, बिजली की मांग बढ़ती जा रही है और इन सबके बीच दिल्ली बूंद बूंद को तरस रही है। दिल्ली में जल संकट पर संग्राम, आतिशी की पीएम मोदी को चिट्ठी, BJP का मटका फोड़ प्रदर्शन। दिल्ली में जैसे जैसे गर्मी प्रचंड हो रही है, जल संकट पर सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। आज दिल्ली सरकार के जल मंत्री आतिशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी और हरियाणा पर पानी न छोड़ने का आरोप लगाया। आतिशी पहले भी दिल्ली के जल संकट के लिए हरियाणा की BJP सरकार को जिम्मेदार ठहरा चुकी है। अब उन्होंने इस मामले में PM मोदी से हस्तक्षेप करने की मांग की है। दिल्ली में जल संकट पर सियासत। आतिशी ने PM मोदी को लिखा कि वो हरियाणा सरकार को भी पत्र लिख चुकी हैं, लेकिन हरियाणा सरकार ने पानी नहीं छोड़ा। उन्होंने हिमाचल प्रदेश की सरकार से पानी मांगा, वो पानी देने को तैयार हैं, लेकिन ये पानी भी हरियाणा के रास्ते से आना है और हरियाणा सरकार इस पानी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आतिशी ने प्रधानमंत्री मोदी से मांग की है कि वो दिल्ली के 28 लाख लोगों को पानी दिलवाएं। आतिशी ने ये भी ऐलान किया है कि अगर 21 जून तक दिल्ली को पानी नहीं मिला तो वो सत्याग्रह और अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ जाएंगी। लेकिन BJP कह रही है कि आतिशी को अनशन की बजाय प्रायश्चित करना चाहिए, क्योंकि दिल्ली की सभी समस्याओं के लिए केजरीवाल और उनकी टीम जिम्मेदार है। दिल्ली BJP अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि आतिशी को अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठना चाहिए, जिसने पिछले 10 साल में जल बोर्ड को लूट का अड्डा बना दिया। मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये विनम्र निवेदन किया है कि वो दिल्ली के लोगों को पानी दिलवाएं, वो चाहे हरियाणा से दिलवाएं, वो कहीं से पानी दिलवाएं, लेकिन अब उनको किसी प्रकार से दिल्ली के लोगों को पानी दिलवाना होगा। अपने हक का पानी नहीं मिलता तो फिर 21 तारीख से मुझे पानी के लिए सत्याग्रह शुरू करना पड़ेगा। आतिशी को अगर सत्याग्रह करना है तो अपनी पार्टी के खिलाफ करे, जिसने जल बोर्ड को लूट का अड्डा बना दिया। 73,000 करोड़ का हिसाब दे आतिशी मार लेना कि पिछले 10 सालों में 600 करोड़ के फायदे वाला जल बोर्ड 73,000 करोड़ के घाटे पे कैसे आ गया, उसका जवाब दे दें। उधर BJP ने आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ मटका फोड़ प्रदर्शन किया। BJP ने आज 256 जगहों पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ पद यात्रा निकाली और दिल्ली में जल संकट के लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया और केजरीवाल के खिलाफ नारे लगाए।
दिल्ली में जल संकट पर हो रही सियासत के बीच अब आम लोगों की परेशानी भी देख लीजिए। पिछले 15 दिनों से दिल्ली के कई इलाकों में पानी का भीषण संकट है। लुटियन जोन समेत दिल्ली के कई वीवीआईपी इलाकों में लोग पानी के लिए मोहताज हैं। दिल्ली के टोडरमल रोड पर जहां आईएएस अफसरों और ग्रेड वन के अधिकारियों के सरकारी आवास हैं, जहां बड़े बड़े बंगले हैं, वहां टैंकर से पानी पहुंचाया जा रहा है। गीता कॉलोनी, ओखला, न्यू अशोकनगर, वसंत विहार, चाणक्यपुरी, खिचड़ीपुर, दिल्ली का कोई भी इलाका हो, लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। दिल्ली के कुसुमपुर पहाड़ी के इस इलाके को देखिए, जहां एक हफ्ते में केवल एक बार पानी टैंकर से आता है और उसके लिए भी लोगों में लूट मच जाती है। आप देखिए, व्यवस्थित तरीके से सभी लोगों ने अपने ये कैन यहाँ पर लगाए हुए हैं, पानी के डब्बे लगाए हुए हैं और इन्हें भरा जा रहा है। यहाँ पर जो लोग हैं उनसे पूछते हैं, सर रोज आता है पानी? नहीं, हफ्ते में एक बार आता है। हफ्ते में एक बार एक टैंकर आता है? हाँ, एक टैंकर मिलता है। हम परिवार को कितना कैन भर जाता है? चार तीन चार बस तो हफ्ता कैसे चलता है इसमें? क्या करें, उसमें चलाना पड़ता है, नहीं तो खरीद के लेके आते हैं। राधा रानी पर पंडित प्रदीप मिश्रा की टिप्पणी के बाद छिड़ी जंग के बारे में आप जानते ही होंगे। प्रेमानंद जी महाराज इतने नाराज हुए थे कि उन्होंने पंडित प्रदीप मिश्रा को चुनौती तक दे दी थी, लेकिन अब दोनों के बीच सुलह हो गई है और यह सुलह कराई है मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने। आखिर क्या है मामला और कैसे सुलह हुई है, आइए जानते हैं। प्रदीप मिश्रा का विरोध करना चाहते हैं वो लोग, राधा रानी की आड़ में बदनाम करना चाहते हैं। किशोरी जी के विषय होश में बोलना हमारा जीवन है, हमारा सर्वस्व है। राधा रानी पर पंडित प्रदीप मिश्रा की टिप्पणी के बाद भड़का प्रेमानंद जी महाराज का क्रोध शांत हो गया है। प्रेमानंद जी महाराज और पंडित प्रदीप मिश्रा में सुलह हो गई है। इस सुलह के सूत्रधार बने हैं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय। बताया जा रहा है कि कैलाश विजयवर्गीय पंडित प्रदीप मिश्रा से मिलने ओंकारेश्वर पहुंचे थे। इस दौरान विजयवर्गीय ने पंडित प्रदीप मिश्रा की प्रेमानंद जी महाराज से बात कराई। बताया जा रहा है कि इसके बाद दोनों के बीच सुलह हो गई और प्रेमानंद जी महाराज ने सोशल मीडिया से पोस्ट भी हटा लिए। प्रेमानंद जी महाराज और पंडित प्रदीप मिश्रा के बीच छिड़ी जंग काफी सुर्खियों में थी। प्रेमानंद जी महाराज पंडित प्रदीप मिश्रा के एक बयान पर नाराज थे। एक कथा के दौरान पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा था कि भगवान कृष्ण की रानियों में राधा जी का नाम नहीं है और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। पंडित प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी के जन्म स्थान पर भी टिप्पणी की और कहा कि राधा रानी बरसाने की नहीं। इस बात से प्रेमानंद जी महाराज इतने क्रोधित हुए थे कि पंडित प्रदीप मिश्रा को चुनौती दे दी थी। वृंदावनाधिकारिणी जयति, तो तुझे नर्क से कोई नहीं बचा सकता। चार लोगों को मिझाकर भागवता चार बन करके तू प्रभु के प्रति बोले, एक बोला था द्वारिकाधीश के प्रति। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए, जिसका जस गा करके जीता है, जिसका जस खाकर खाता है, जिसके जस गा करके तेरे को नमस्कार प्रणाम मिलता है, उसकी मर्यादा को तू नहीं जानता। किस बात का माइक में बैठ करके प्रवचन करता जब तुझे ब्रह्म तत्व का बोध नहीं। प्रेमानंद जी महाराज के इस गुस्से का जवाब पंडित प्रदीप मिश्रा ने दिया था। उन्होंने कहा था कि मां राधा को लेकर जो बयान दिया था वो धार्मिक पुस्तकों के आधार पर था, लेकिन सोशल मीडिया पर उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। प्रदीप मिश्रा ने कहा था कि ब्रजवासियों को भ्रमित किया गया। श्री राधा रानी पर की गई टिप्पणी से मथुरा में संत नाराज हैं और कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा पर कार्रवाई की मांग भी की गई थी। आज उन ब्रजवासियों में कुछ लोग ऐसे घुस गए हैं जो इस शिवपुराण का विरोध करना चाहते हैं, इस व्यासपीठ का विरोध करना चाहते हैं, प्रदीप मिश्रा का विरोध करना चाहते हैं, वो लोग राधा रानी की आड़ में बदनाम करना चाहते हैं और ब्रजवासी इतना भोला है कि वो समझ नहीं पा रहा। आप कहो जिस दिन राधा रानी के चरणों में आकर दंडवत कर लूं, आप बोलो जितने दिन तक राधा रानी के चरणों में पड़ा रहूं, मेरी मां है वो, उससे मेरा बैर नहीं है। जो कुछ बोलूंगा प्रमाण से बोलूंगा, बिना प्रमाण के कुछ नहीं बोलूंगा। और जिस जिस महाराज को प्रमाण चाहिए, कुबेरेश्वर धाम खुला पड़ा है, आ जाओ और प्रमाण लेकर जाओ। राधा रानी पर पंडित प्रदीप मिश्रा की टिप्पणी से प्रेमानंद जी महाराज तो नाराज थे ही, संतों ने भी मोर्चा खोल दिया था। प्रेमानंद जी महाराज ने पंडित प्रदीप मिश्रा को लेकर अपना क्रोध जताया था। राधा रानी पर रण छिड़ गया था, लेकिन अब दोनों के बीच सुलह हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
पंडित प्रदीप मिश्रा और प्रेमानंद महाराज की सुलह पर सियासत भी खूब हो रही है। कांग्रेस का कहना है कि संतों के बीच झगड़े की ही बात ही अफवाह है। बीजेपी के नेता इतने बड़े नहीं हो गए कि इन बड़े साधु संतों का सुलह करा सके। तो बीजेपी का कहना है कि यदि साधु संतों में आपसी मतभेद रहते हैं तो कोई फायदा उठा सकता है, लेकिन ये अच्छी बात है कि दोनों संतों ने अब एक राय ये दोनों हो गए। मानता हूं कि जो संत समाज होता है वो समाज के लिए पथ प्रदर्शक होता है, तो मैं मान ही नहीं सकता कि दो संतों के बीच कभी विवाद हो सकता है। सुलह की तो बात ही अलग है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, और मैं कहूंगा कुछ उनके जो कथित जो समर्थकों ने इस तरह की सोशल मीडिया पर बातें चलाकर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति पैदा की है। नहीं तो चाहे पंडित प्रदीप मिश्रा जी हों या प्रेमानंद जी हों, दोनों ही बहुत ही सम्मानित लोग हैं, और हम तो कहते हैं ये सदैव कथा अच्छा कथा वाचन करके समाज को देश को अच्छी राह दिखाते हैं। देखिए, यह धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। दोनों ही जो संत हैं उनके प्रदेश और देश भर में चाहने वाले लोग हैं, उनके अनुयायी हैं, और स्वाभाविक तौर पर यह पूरी तरीके से एक धर्म निष्ठा से जुड़ा हुआ विषय है। इस पर शास्त्र के जो जानकार लोग हैं, जिनको इस विषय में गंभीरता के साथ जानकारी है, उनका विषय है। बाकी यह हिंदू और सनातन समाज के लिए हितकर है कि समग्रता के साथ पूरा हिंदू समाज एकजुट होकर के जितने भी हमारे धार्मिक विषय हैं उनको लेकर के आगे बढ़े, ताकि समाज में एक सकारात्मक मैसेज चला जाए। हमारे आंतरिक विरोधों की वजह से किसी तीसरे को इसका लाभ लेने की गुंजाइश न मिलने पाए। हम सभी का लगातार यह प्रयास रहता है। भारतीय जनता पार्टी जितने भी संत महात्मा पुण्यात्मा हैं उनका सम्मान करती है। इन दिनों पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते चर्चाओं में बने हुए हैं। बीते दिनों कुलस्ते का एक बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे थे कि राज्य मंत्री नहीं बनना है, कैबिनेट मंत्री बनना है। हालांकि उन्होंने अपने इस बयान पर सफाई भी दी। अब कांग्रेस ने इस पर सियासी पलटवार किया। कांग्रेस ने फग्गन सिंह कुलस्ते को केंद्र में मंत्री नहीं बनाए जाने को आदिवासियों का अपमान बताया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने आदिवासी सम्मान की मांग उठाते हुए बीजेपी पर आरोप लगाया कि कोरम पूरा करने के लिए पार्टी ने बड़े आदिवासी नेताओं को केंद्र में महज राज्य मंत्री बना दिया। आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। देखिए, आदिवासी सम्मान पर गरमाई राजनीति, कुलस्ते का बहाना बीजेपी पर निशाना। अगर कुलस्ते जी इतने समय राज्य मंत्री रहे तो निश्चित तौर से उनका एक क्लेम बनता है कि उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर बनाना था। अपमान वाले कर रहे सम्मान की बात। फग्गन जी का नाम बदल देंगे, फग्गन सिंह कुलस्ते कर देना आज के इनको। कांग्रेस का बार, बीजेपी का पलटवार। मध्य प्रदेश में आदिवासी नेताओं के सम्मान पर राजनीति गरमा गई है। कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आदिवासियों के सम्मान की मांग उठाई है। दरअसल उमंग सिंघार ने पूर्व केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के बहाने बीजेपी पर निशाना साधा है। सिंघार ने कहा, बीजेपी को कोरम पूरा करने के लिए पार्टी ने बड़े आदिवासी नेताओं को केंद्र में महज राज्य मंत्री बना दिया है। फग्गन सिंह कुलस्ते सीनियर नेता है, उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया जाना चाहिए था। देखिए, मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों को वोट तो लेना चाहती है, लेकिन आदिवासियों को सम्मान नहीं देना चाहती। और अगर कुलस्ते जी इतने समय राज्य मंत्री रहे तो निश्चित तौर से उनका एक क्लेम बनता है कि उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर बनाना था। अभी हमारे यहाँ सावित्री ठाकुर बहन को बनाया है तो उनको भी राज्य मंत्री बनाया, तो आदिवासी कब कैबिनेट बनेगी भारतीय जनता पार्टी बताए? तो क्या सिर्फ नाम के लिए मंत्री बनाती है? ये वही उमंग सिंघार हैं जिन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान कुलस्ते को लेकर विवादित बयान दिया था, और ये कुलस्ते के अपमान और सम्मान की बात कर रहे हैं। चलिए आपको वो बयान भी सुना देते हैं। ये फग्गन सिंह कुलस्ते, फग्गन जी का नाम बदल देंगे, फग्गन सिंह कुलस्ते कर देना आज के इनको। जो बड़ा फुग्गा तो बना है भारतीय जनता पार्टी ने, 5 से 6 बार सांसद बनाया, केंद्रीय मंत्री बनाया, कितनी हवा भर दी। और एक हमारे चैन सिंह भाई जो अभी विधायक बने, एक छोटे से चैन सिंह ने पिन मारी, फुग्गा फूट गया। सुना आपने, फुग्गा फूट गया है, यही कहा था उमंग सिंघार ने।
सीनियर नेता का खुद अपमान करते हैं और बात सम्मान की। उधर बीजेपी ने आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा, कांग्रेस ने आदिवासियों को छलने का काम किया है। भाजपा की सरकारें जब से आई तो जनजातीय मंत्रालय से लेके जनजातीय समाज के मान सम्मान गौरवों को स्थान देना और उनको मंत्री बनाना, ये भाजपा ने ही तय किया। उमंग सिंगार बताएं, कब उनकी केंद्र सरकार या यूपीए सरकार में मध्य प्रदेश से दो जनजातीय मंत्री रहे। और चलिए आगे बढ़ेंगे, एक और महत्वपूर्ण खबर का जिक्र करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की है, मनोहर लाल खट्टर से सीएम की मुलाकात हुई। केंद्रीय मंत्री के आवास पर ये मुलाकात होना बताई जा रही है। सीएम ने मुलाकात को सौजन्य भेंट बताया। और इसी के साथ ही खबर असरदार में आज के लिए इतना ही।